हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉक इच के बारे में। और देखा जाए तो ये इस एरिया में होता है जिसको हम लोग ग्रोइन एरिया बोलते हैं, इसलिए इसको कई बार ग्रोइन इच के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टाइप का टीनिया इन्फेक्शन ही है, मतलब जो रिंग वॉर्म में इन्फेक्शन होता है सेम फंगस रेस्पॉन्सिबल होता है इस जॉक इच के लिए। तो जब भी जॉक इच हो जाता है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल वाली कंडीशन होती है, मतलब आप किसी मीटिंग में हो या फिर किसी ऐसे जगह पर हो जहां पर आप इच नहीं कर सकते, या फिर खुजली करने पर आपको एम्बेरसिंग फील होता है और ये काफ़ी ज़्यादा खुजली करता है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और उसके बाद जब आपको जॉक इच हो जाता है और यदि वो सीवियर हो गया तो चलने में भी आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जब आप चलोगे तो आपका जो थाई है वो टकराएगा आपके बॉडी से और उसमें फिर और ज़्यादा जलन होगा और अल्टीमेटली उसमें काफ़ी एकदम स्क्रैच आ जाता है, मतलब वहाँ पर पूरा छिल जाता है, रेडनेस आ जाता है और एक तरीके से वो बिल्कुल घाव सा बन जाता है। फिर वहाँ पर इन्फेक्शन और बढ़ने के चांसेस रहते हैं, कई बार वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि जॉक इच में बेसिकली कहाँ पर अफेक्टेड होता है। तो जॉक वाला एरिया ये वाला होता है जिसको हम लोग ग्रोइन एरिया बोलते हैं, तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से फिर ऐसा रेडनेस आ जाता है स्किन में। इसका डिटेल्स बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि यह इन्फेक्शन स्टार्ट कैसे होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो फंगस है वो बहुत सारे सोर्सेस से हमारे बॉडी में पहुंचता है, चाहे वो इन्वायरमेंट से पहुंचे, चाहे दूसरे पर्सन के कॉन्टेक्ट से पहुंचे, या फिर आपने किसी दूसरे पर्सन का कोई कपड़ा या फिर टॉवेल वगैरह यूज़ किया हो जो प्रॉपरली ना धुला हो, उसमें फंगस हो और वो आपने यूज़ कर लिया हो होटल्स वगैरह में, तो भी आपको ये फंगस हो सकता है। तो अल्टीमेटली आपके बॉडी में पहुंच गया, आपके बॉडी से आपके ग्रोइन एरिया में पहुंच गया और जो ग्रोइन एरिया होता है वहां पर अंडर गारमेंट्स आप पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं, उसकी वजह से वहां पर पसीना ज़्यादा आता है और वो वाला पर्टिकुलर एरिया मॉइस्ट रहता है और स्किन में कुछ न्यूट्रिशन भी आपके अवेलेबल रहते हैं, तो ये जो फंगस क्या करता है वहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो इस फंगस का ग्रोथ हो जाता है, उसके बाद जब ये फंगस का ग्रोथ हो जाता है वही जॉक इच कहलाता है, वही आपका इचिंग करने लगता है। और इसको हम लोग देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखता है, मतलब ये जांघों के पास में होता है और स्पेशली अभी के सीजन में होता है, मतलब गर्मियों में होता है, क्योंकि गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है, फिर हम लोग चलते हैं या फिर दौड़ते हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या फिर गर्मियों में बहुत लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर गर्मी होता है। और जब भी आप घूमने जाओगे तो आप पैदल तो चलोगे ही, मतलब कितना भी आप कैब कर लो कुछ भी कर लो पैदल तो आपको चलना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में फिर यहाँ पर ये छिल जाता है, मतलब आफ्टर दिस जॉक इच यहाँ पर छिल भी जाता है, रेडनेस हो जाता है। और ये जो डायग्राम देख रहे हैं इससे भी काफ़ी सीरियस कंडीशन क्रिएट हो सकता है। आप वहाँ पर जब खुजली करोगे, इचिंग करोगे तो वहाँ पर पूरा स्क्रैचिंग हो जाता है, उसकी वजह से स्किन और डैमेज हो जाता है, फिर वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। और स्पेशली ये जो जॉक इच हुआ है आपको और आप चले गए सी बीच वगैरह में नहाने के लिए, तब तो भाई साहब मतलब भूल ही जाओ, फिर तो चलना मुश्किल हो जाएगा, फिर पुष्पा की तरह चाल हो जाएगी, मतलब सीधे नहीं चल पाओगे। जब आपका जो जांग आपके बॉडी से टकराएगा तो इतना वहाँ पर इन्फ्लामेशन रहेगा या फिर वहाँ पर पेन होगा, वहाँ पर इतनी जलन होगी, ठीक से चल भी नहीं पाओगे, चाल बदल जाती भाई। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बता दो कि आप गलत बोल रहे हो, ये सच्चाई है भैया, ये सबके साथ हुआ है, सब ने महसूस किया हुआ होगा, ये एक न एक बार तो हुआ ही होगा सबको जॉक इच। तो अब हम लोग बात करते हैं इसको पहचानेंगे कैसे। तो ये इस तरीके से दिखता है, मतलब इसमें रेडनेस आ जाता है, उसके बाद जो इसके एजेस है वो शार्प रहते हैं तो आपको पहचान में आ जाएगा, और इसमें इचिंग होगा मतलब खुजली होगा। प्लस यदि ये प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसका जो यहाँ पर जो स्किन है वो डार्क होने लगता है, डार्कनेस आ जाता है स्किन में, तो आपको इसको प्रॉपरली ट्रीट करना ज़रूरी है, अदरवाइज उस पर्टिकुलर एरिया का स्किन जो है डार्क हो जाएगा और हो सकता है वो परमानेंटली डार्कनेस आ जाए। ठीक है, वैसे परमानेंटली डार्कनेस भी आ जाए तब भी ये तो किसी को मतलब अपीयर नहीं होता है, तो उतना ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और जो जॉक इच है वो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाउ दिस जॉक इच या फिर टीनिया इन्फेक्शन टेक्स प्लेस। तो जब भी आप अपने बॉडी का प्रॉपरली केयर नहीं करते हो, मतलब जो आपका ग्रोइन एरिया है उसको ड्राई और क्लीन नहीं रखते हो, तो वहाँ पर मॉइस्चर होगा और वहाँ पर इन्फेक्शन होगा,
साथ में यदि आप साफ कपड़े नहीं पहनते हो, साफ अंडरवेयर नहीं पहनते हो, यदि आप एथलीट हो और आप सपोर्टर यूज करते हो, तो उस सपोर्टर को डेली आप वॉश नहीं करते हो प्रॉपरली, तो उसकी वजह से भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली इसके प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, आपका जो ग्रोइन एरिया है उसको क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। प्लस इसके प्रिवेंशन के लिए आपको एक और चीज मैं बता दूं, जब भी आपको ऐसा लगता है कि जो ग्रोइन एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा पसीना वगैरह आ रहा है, वो ड्राई नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करो, ढीले कपड़े पहनो और वहां पर जो सिंपल जो पाउडर होता है हमारे घर में टेलकम पाउडर, वो लगा दो, तो उससे क्या होगा, वो एरिया ड्राई हो जाएगा और वो इन्फेक्शन होने से पहले ही रुक जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का। तो डायग्नोसिस तो सिंपली फिजिकल एग्जामिनेशन से देख करके पता चल जाता है जॉक इच है, क्योंकि ये ग्रोइन वाले एरिया में होता है, उससे पता लग जाता है। प्लस यहाँ पर यदि हमें देखना ही है कि भाई इसमें फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं, इसमें फंगस है कि नहीं, तो उस जगह का स्क्रैप लिया जाता है, उसके बाद फिर उसको KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में माउंट किया जाता है, उसके बाद फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि उसमें फंगस प्रेजेंट है कि नहीं, फिर वहाँ पर वो चीज़ पता लग जाता है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट का बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में पहला चीज़ है सेल्फ केयर, मतलब आपको वो जो ग्रोइन एरिया है उसको क्या रखना है, उसको ड्राई रखना है और क्लीन रखना है। जब ड्राई रखोगे क्लीन रखोगे तो ये जो इन्फेक्शन है वो होगा ही नहीं, मतलब आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो ऐसे ही। अब इसमें यूज होने वाले मेडिसिन की बात करें तो इसमें OTC मीन्स ओवर द काउंटर एंटी फंगल पाउडर एंड क्रीम्स यूज किए जा सकते हैं। OTC ड्रग क्या होता है, जिसको आप फार्मेसी से या फिर मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली परचेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग के लिए पॉसिबल भी नहीं होता है कि जॉक इसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाएं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ये खुद से ठीक हो जाए, तो उसके लिए ये OTC एंटी फंगल पाउडर या फिर क्रीम यूज करना चाहिए। इसमें आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप सिंगल एंटी फंगल जो ड्रग है वो वाला क्रीम या फिर पाउडर यूज करें, इसमें ऐसा कोई भी एंटी फंगल क्रीम या फिर पाउडर यूज नहीं करें जिसमें कॉर्टिको स्टेरॉइड होता है। तो OTC एंटी फंगल पाउडर या फिर क्रीम का मैं एग्जांपल दूं तो कैंडिड नाम से एक आता है, वो ले सकते हैं, वो काफी अच्छा होता है, वो आपको इचिंग को भी कम करता है और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी रहती है। तो इसमें जो भी एंटी फंगल क्रीम या फिर पाउडर होते हैं उसमें एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, टॉपिकल ड्रग्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक होता है। इसमें फर्स्ट होता है क्लोट्रिमाजोल, जो हमारा कैंडिड होता है उसमें यही क्लोट्रिमाजोल होता है 1%। फिर इसके अलावा आपको किटाकोनाजोल वाला यूज कर सकते हैं, मिकोनाजोल, लल्लीकोनाजोल, इबरकोनाजोल, एमोरोलफिन, सिक्लोपिरोक्स, ये सारे वो एंटी फंगल ड्रग हैं जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो OTC एंटी फंगल पाउडर या फिर क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, आपको जॉक इच है और 2 हफ्ते में भी आपका खुद का ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, फिर डॉक्टर आपको कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह देंगे, इसमें कुछ ओरल एंटी फंगल्स भी देंगे। तो ये जो ओरल एंटी फंगल्स है ये केवल प्रिस्क्रिप्शन के बाद लेना है, ये आपको खुद से नहीं लेनी है, खुद से आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको उसका डोज नहीं पता होगा, कितने दिनों तक इस्तेमाल करना है वो सारा चीज़ नहीं पता होगा, तो फिर आपके बॉडी में प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आपके बॉडी में फिर वो जो एंटी फंगल ड्रग है उसके प्रति जो फंगस है वो रेजिस्टेंस डेवलप करने लगेंगे। तो इसमें दिया जाता है ग्रिसियोफलविन, फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, इट्राकोनाजोल, ये सारे ओरल एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं। यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन के केस में एक और चीज़ आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप OTC ड्रग ले रहे हैं या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ले रहे हैं, आपको जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक उसको बंद नहीं करना है। यदि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो OTC ड्रग ले रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपका जो जॉक इच है वो खत्म हो गया और ठीक हो गया, उसके 1 हफ्ते बाद तक भी आप वो क्रीम या फिर पाउडर यूज करें, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है वो रिकर हो सकता है, मतलब वापस आ सकता है। ठीक है, उसको ठीक होने में टाइम लगता है। इसमें नेक्स्ट होता है कुछ एंटी फंगल सॉप देते हैं, जैसे कैंडिड का सॉप भी आता है, उसमें भी क्या होता है, क्लोट्रिमाजोल होता है। उसके बाद डॉक्टर्स आपको एंटी इचिंग पाउडर्स वगैरह भी देते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा हो तो। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल्स मेरी तरफ से जॉक इच के बारे में, और ये सारा चीज़ फॉलो करने से आपका जो जॉक इच है डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।